चलो जीरो जी। पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, रणवीर सिंह को पब्लिक का जो भाषा मिला है, सूरत के मेहमान बने हो, क्या कहो? एक्चुअली मैं अभी पिछले महीने ही सूरत आया था और मैं जिस साथ आया था हम लोग, उनको मैं ये बता सकता सूरत में और अहमदाबाद और गुजरात में मैंने अक्सर ये देखा कि कोई भी फेस्टिवल हो, दिल से मतलब जो पब्लिक है वो वेट करती है कि एक साथ फैमिली के साथ जाकर ओकेजन मनाएंगे। और सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स का मज़ा यहीं पर आता है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, अभिषेक से मैं मिला सुबह, इतना अच्छा सेटअप किया इनकी इन्होंने, एक स्टोर जो अभी जो ऑस्पिशियस समा शुरू हुआ है, दिवाली आ रही है, तो जैसे कि मेरे को भी हमेशा ऐसा होता है कि ओकेजन के लिए आपको ड्रेस करना चाहिए, राइट? अगर दिवाली है तो दिवाली में आपको ज़रूरी ट्रेडिशनल पहनना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें जो हमारे कल्चर को और हमें आपस में जोड़ती हैं। दिस इज़ इट्स ग्रेट है, जब भी मैं सूरत आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ की अलग अलग चीज़ें पता लगती है। पिछली बार मुझे पता लगा कि जो हर संडे को वीआर रोड पे लोग आके शाम को बैठते हैं और यू नो चाहे ओकेजन हो या ना हो, संडे को बाहर जाके एक साथ फैमिली बैठ के पूरी इवनिंग इंजॉय करती हैं, एंड दैट शोज़ कि लोग यहाँ पे लाइफ जीते हैं, लाइक टू गो आउट एंड एंजॉय देमसेल्फ, अच्छा खाते हैं। और हर बार ही मेरा भी यंग यहाँ के बच्चों से ब्लॉगर से बात कर रहा था, दे वेट फॉर द नेक्स्ट ओकेजन, अभी दिवाली का वेट हो रहा है, कौन से पार्टी में कौन सा ड्रेस पहनना है, राइट? और अगर ये वाला ड्रेस पहन लिया और उस पार्टी में वो थी तो अब वो दूसरी पार्टी में जाएगी तो अलग चेंज करना है। तो आई थिंक ये यूथ के लिए और जितने भी लोग फैशनेबल हैं और इस टाइम पे जो बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं उनके लिए इन्होंने बहुत मदद की है, ठीक ही जगह, ग्रेट चॉइस। एंड एज अ स्टोर ना, इट्स वेरी स्पेस अच्छा है, meticulously organized, and the experience is going to be really good for the customers. जी आपने acting की शुरुआत कब से की थी? आपकी पहली movie कौन सी थी? Acting की शुरुआत तो मेरे को लगता है कि movie से पहले हुई थी, बचपन से। जब भी माँ बाप कोई शरारत पकड़ने की कोशिश करते थे तो try तो यही होती थी कि acting करके बच जाएं। लेकिन शुरुआत मेरी actually इधर हुई रोडी से 2003 में, और फिर मैं MTV के साथ जुड़ गया, उसके बाद 2006-07 तक थोड़ी पॉपुलैरिटी की वजह से अलग अलग डायरेक्टर से कुछ ऑफर्स आए, मैंने एक फिल्म की टॉस, एक्शन रिप्ले, लंदन ड्रीम्स, मोड, पंजाबी पिक्चर की कुछ दो तीन धरती वगैरह, तो साथ साथ में अब वो टाइम आ गया जहाँ पे सब एक्टर्स सिर्फ एक मौका ढूंढते कि चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, उसमें कुछ ना कुछ करें। सो आई जस्ट फिनिश समथिंग कॉल्ड कॉश की लास्ट ईयर, अभी मैं एक वो भी अहमदाबाद बेस्ड था। इट्स इवन इंडिया में जो लोग जब बना रहे हैं चीज़ें, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कॉन्टेंट हो, उसमें जो रेलिवेंस जो यूथ का दिखा रहे हैं वो सूरत, अहमदाबाद, यू नो गुजरात का भी दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ के लोग नवरात्रि दिखाई दे रहे हैं, सी? तो इट्स बीन गुड यार। और इसके साथ साथ जैसे आपने बोला कि जहाँ पर मैं जाता हूँ, आई फील द लव, बिकॉज जो शोज मैं कर रहा हूँ शुरू से, वो ऐसा नहीं है कि वो पंजाब के लिए या महाराष्ट्र के लिए या गुजरात के लिए, वो सबके लिए, इंडिया के यूथ के लिए, एंड आई थिंक एवरीबडी लव्स दोज शोज, एंड उसकी वजह से, एंड आई अप्रिशिएट दैट। मैं ये नहीं कहता कि वो शोज सिर्फ छोटे ही लोग के लिए, बड़े लोग के, हर 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 किस्म के लोग, कई बार ऐसे लोग आते हैं जो ग्रैंड डॉटर भी देखी है और ग्रैंड मदर भी देखी है, सो दैट्स द काइंड ऑफ लव एंड मेरे को पसंद। सर आपकी ऐसे में आप इतने कल्चर में आगे बढ़े, सर ऐसा कौन सा जो अच्छा था कि जहाँ से आपको आगे बढ़ने में जंप मिला और लोगों का काफ़ी प्यार मिला तुम्हें? आई थिंक मैं ये कभी भी ये श्रेय रोडी से नहीं लेके, या MTV से दूर नहीं लेके जा सकता, बिकॉज उसकी वजह से मैं पहली बार सिविल लाइफ देखा मैंने, उससे पहले मेरे डैड फौज में थे तो मैं फौज में जाने वाला था, तो अगर वो नहीं होता तो फिर वो स्टार्ट नहीं मिलता। जंप मेरे को ऐसे कभी मैंने जंप किया नहीं था, सिर्फ पहाड़ों से या बिल्डिंग से जंप किया, बट जो स्टार्ट मिला ना, एंड वो धीरे धीरे धीरे, एंड आई थिंक फॉर एनीबडीज करियर, स्पेशली यंग पीपल, आई लाइक टू टेल देम, डोंट लुक फॉर द जंप, लुक फॉर अ स्टार्ट, और उसको धीरे धीरे उसको बिल्ड करो, क्योंकि जब भी जंप करते हो ना वापस नीचे लैंड करना पड़ता है, अगर धीरे धीरे चलते रहोगे तो सही। गुजरात के मेहमान बनाओ तो आपको अगर गुजराती मूवी में चांस मिले 100% गुजराती मूवीज मुझे बहुत पसंद है, और मेरा एक दोस्त भी है तो एक बार मेरे को अहमदाबाद में फिल्म लेकर गए थे, तो उधर भी मैंने देखा कि लोग मजे लेते हैं, दोबारा आके वो डायलॉग होता है उसको रिपीट करते हैं, ताली करते हैं, फिर एक दो कॉमेंट्स पढ़ते हैं, तो जरूर, तो अगर आपका कोई दोस्त है अच्छा डायरेक्टर तो वहां तक ये वीडियो पहुंचा दिया जाए। इन तीनों को मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, एंड खूब मजे करो,
एंड एक्चुअली यहाँ के लोग आर एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री की खूब मेहनत करो एंड खूब इन्जॉय करो. सो कीप अप दैट स्पिरिट. एंड टू द यूथ मैं यही कहना चाहूँगा कि और मैंने आज देखा कि जो पैशन होता है इट इज़ नॉट एरिया स्पेसिफिक कि इधर के लोग ऐसा काम करेंगे और उधर के लोग अलग काम करेंगे कि बॉम्बे में ही ब्लॉगर्स होंगे, ऐसा नहीं होता है. सो जस्ट फॉलो योर पैशन लेकिन उसको मेहनत के साथ डेवलप करो. दैट्स इट.